दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला सबसे आसान क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं, जिसमें आपको होमोलेप्टिक तथा हेटरोलेप्टिक संकुल में अंतर करना है। तो यहाँ पे पहले संकुल को समझो कि संकुल में आपको क्या क्या मिलता है। संकुल में आपको दो चीजें मिलती है, एक इलेक्ट्रॉन ग्राही, दूसरा इलेक्ट्रॉन दाता। इलेक्ट्रॉन ग्राही यानी इलेक्ट्रॉन लेने वाला, वो आपका क्या कहलाता है, यहाँ पे केंद्रीय धातु आयन कहलाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन देने वाला आपका समूह लिगेंड कहलाता है। तो जब आपके केंद्रीय धातु आयन से एक ही प्रकार का इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा हुआ है, तो वो आपका क्या बनता है, होमोलेप्टिक बनता है। जैसे यहां पे आपका केवल NH3 जुड़ा हुआ है। इसके विपरीत जब आपके एक से अधिक दाता समूह जुड़े हुए हों केंद्रीय धातु आयन से, तो वो आपका क्या बन जाता है, हेटरोलेप्टिक संकुल बन जाता है। जैसे यहाँ पर एक तो आपका EN जुड़ा हुआ है, एक CL जुड़ा हुआ है, यानी केंद्रीय धातु आयन से यहाँ पे एक से अधिक प्रकार के दाता समूह से जुड़ा हुआ है। ओके, सेकंड एग्जांपल देखिए, यहाँ पे आपका केवल EN समूह जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पे NH3 और CL यानी अलग अलग दो दाता समूह जुड़े हुए हैं आपके केंद्रीय धातु आयन किससे, प्लेटिन नाम से यानी पीटी से। ओके, यहां पे देखिए केवल CN जुड़ा हुआ है, जबकि यहां पे NH3 भी जुड़ा हुआ है, CL और NO2 भी जुड़ा हुआ है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप अब देखते ही पहचान लेंगे कि ये आपका होमोलेप्टिक है और ये आपका हेटरोलेप्टिक संकुल है। ओके, तो ये दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा एक टॉपिक जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया, और ये आपका बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है, और ये मैंने आपके NCERT बुक से एग्जाम्पल शेयर किए हैं। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।